मौका पर राहुल गांधी गया है उससे पूरे के पूरे बीजेपी सरकार की नींद उड़ी हुई है, इसमें कहीं कोई दोराय वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि देखिए जिस तरह से 2020 में गलवान की स्थितियां हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बयान था, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलती है, लेकिन पहली बार पता चला कि वो तो राष्ट्रवाद से संबंधित उनका बयान ही एक तरह से वो देश को नुकसान पहुंचाने वाला बयान प्रधानमंत्री ने दे दिया। जब हमारे घर में कोई चोर घुस जाए राजीव जी, और हमें पता हो कि हमारे चार कमरे का घर है और एक कमरे में जो है कि चोर घुस चुका है, लेकिन मैं अपने इज्जत बचाने के लिए मैं स्वीकार नहीं करूं कि नहीं चोर अंदर आ गया, और मैं कह दूं कि नहीं ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया है, तो फिर वो चोर उस कमरे से बाहर कैसे जाएगा। और यही स्थिति रही कि चीन ने प्रधानमंत्री जी के इस बयान का जितना बड़ा लाभ लिया, और हमारे मैं तो मानता हूं कि भारतीय कूटनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्री के स्तर पर इससे बड़ी विफलता आज तक नहीं हुई थी जो विफलता प्रधानमंत्री जी ने यह बयान देके दिया कि ना कोई आया है ना कोई गया है, तो यह तो उनकी एक बड़ी विफलता की स्थिति रही। दूसरी चीज की देखिए उसमें तमाम नियम कानून बनाए गए दिखाने के लिए कि नहीं चीन से कोई भी एफबीआई नहीं आएगा, एक एक एफबीआई की जांच की जाएगी, ये सब चीजें 2020 में गलवान घाटी के उस प्रकरण के बाद निर्णय लिया गया था जब हमारे जवान वहां पर शहीद हुए थे। आज देख लीजिए कि चीन से किस प्रकार से निवेश हर तरफ, हर बिना जांच पड़ताल के हर तरफ निवेश आ रहा है, और आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि वो तो 20,000 करोड़ का जो अडानी से पूछ रहे हैं उसमें भी आरोप है कि वहां पर भी कुछ चीनी जो है कि पैसे जो है कि उसमें गलत ढंग से आए हैं। तो क्या चीन से, सवाल तो यह भी बनता है कि क्या चीन से कुछ इलीगल राशि जो कि अडानी जी के साथ आया हुआ इसलिए प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए दो तीन चीजें और है, देखिए उसके बाद आपको याद होगा राजीव जी कि भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और कैलाश रेंज की ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया, और वहां से फिर हम लोगों को एक तरह से काफी बढ़त मिल गई थी हम लोगों को पूर्वी लद्दाख में। लेकिन फिर देखिए उस समय डिसइंगेजमेंट के नाम पे जो कि अब तक हुआ भी नहीं है पूरे ढंग से, उन सैनिकों को फिर से नीचे आने के लिए आदेश कर दिया गया। तमाम रक्षा विशेषज्ञों ने उसमें चिंता प्रकट की थी कि कैलाश रेंज को छोड़ना भारत सरकार का एक गलत निर्णय है, यानी अगर हमारे सैनिक कुछ प्राप्त भी कर ले तो प्रधानमंत्री जी और जो भारत सरकार है उससे उनको फिर से जो है कि वो पुरानी स्थिति में ला दे रहे हैं, और चीन की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारी सेना को फिर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के रेंज से फिर से उन्हें वापस कर दिया। यहां पे भी आप देख लीजिए कि सरकार की कितनी गड़बड़ी रही, उससे बड़े ढोल नगाड़े के साथ गाजे बाजे के साथ यह निर्णय लिया गया था कि आत्मनिर्भर भारत को काफी आगे बढ़ाया जाएगा, चीन के साथ जो व्यापार असंतुलन है उसको दूर किया जाएगा, व्यापार घाटा जो चीन के साथ है उसे दूर किया जाएगा। उस मामले में भी अगर हम लोग देखें कि 3 साल बीत चुके हैं उन घोषणाओं के, व्यापार घाटा दूर नहीं हो रहा है बल्कि हर साल जैसे जैसे साल आगे बढ़ता चला जा रहा है गलवान घाटी के प्रकरण के बाद से चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा और प्रत्याशित तौर पर बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर देखिए उनका आत्मनिर्भर भारत का नारा कहां चला गया और कहां पे चली गई सारी चीजें जी। ये जो सेना, एक तो सेना की उपलब्धि का सम्मान, सेना का सम्मान अपने माथे पे लेके घूमते हैं और सेना को सम्मान भी नहीं देते हैं। अभी हम लोगों ने जो मणिपुर में जो स्थितियां देखी कि जिस तरह से मणिपुर पुलिस से FIR दर्ज कराया गया असम राइफल्स के ऊपर, हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेना का कितना सम्मान करती है और अर्धसैनिक बलों का कितना सम्मान करती है। जबकि देखिए भाई आप ही की डबल इंजन की सरकार थी, तो आखिर इस प्रकार से मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच में टकराहट की स्थिति कैसे आई। सेना के तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप सेना के ऊपर विश्वास करते हैं, भारत वो देश है जो कि सोचिए कि हम लोग 80 के दशक से कारगिल के ऊंची ऊंची चोटियों पर हम लोगों को लड़ने की महारत हासिल है, और भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपको जहां सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए आप सेना में अग्निवीर की योजना लेके आ जाते हैं। अग्निवीर योजना को लेके जितनी सेना के भीतर इस समय जो है कि असंतोष है इस समय, वो स्थितियां कभी नहीं रही थी। एक सेना जो कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई नेहरू जी ने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, तो भाई उन्होंने हिंदी चीनी भाई का नारा दिया और चीन के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है लड़ाई में हम हारे जीते। अभी तो बहुत अच्छी चर्चा हुई थी कि 1967 में भी फिर जो है कि चीन के साथ भिड़ंत हुई थी और उस भिड़ंत में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है। चीन के 300 से ज्यादा सैनिक जो है कि मारे गए थे उस लड़ाई में। तो देखिए आप सेना का सारा सम्मान, सेना के किए गए उपलब्धियों को अपने नाम पे ले लीजिए और सेना को आप अग्निवीर के हवाले कर दीजिए। सेना के वेतन और पेंशन देना आपको भारी लग रहा है, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, बीजेपी सरकार से कहूंगा कि अगर आप अग्निवीर स्कीम इसलिए लेके आ रहे हैं कि सेना का वेतन पेंशन देना आपको भारी भरकम लग रहा है, भारत सरकार लोगों से आह्वान कर लीजिए, आप लोग अपना सारा दान कर देंगे सेना के लिए,
भाई आप अगर सेना के नहीं हुए तो फिर आप किसके हैं? आप सेना का नाम कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? और देखिए दो तीन चीजें और, राहुल गांधी ने जो स्पष्ट कर दिया, जो उनका बयान था, दो संकेत वहां से गए। एक तो देखिए राहुल गांधी ने जिस तरह से बाइक से वो सवारी की है, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम युवाओं के साथ उनकी जो कनेक्टिविटी बनी है, जो मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी इस समय युवाओं के जो है कि बिल्कुल, अगर युवाओं के बीच में कोई नेता है आज के समय में तो वो राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा के समय से और अभी इस यात्रा के माध्यम से फिर से वो युवाओं के साथ उन्होंने जबरदस्त कनेक्टिविटी बनाई है और युवा अब उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश के लिए क्या बात कर रही है, वो राष्ट्रवाद के लिए क्या बात कर रहे हैं और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना बयान नहीं दिया, उन्होंने कहा यहां पर भीड़ में किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति बताएगा कि जो भारत के चरागाह हैं उसके ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है, ये हर कोई बता रहा है। तो सोचिए कि कोई भी जाके पुष्टि कर सकता है उसका। और जो किरण रिजिजू जो बयान दे रहे हैं राजीव जी, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगा बयान, क्योंकि मैं पहली बार, मैंने जो है कि पेंगोंग लेक मैं प्रथम बार गया हूं 2012 में वहां पे, और वो मैं होली के समय में गया था जिस समय कि पूरा पेंगोंग लेक बिल्कुल जमा हुआ था, फ्रोजन पेंगोंग लेक, और मैंने उस समय देखा है कि वहां की सड़कें कितनी शानदार थी। तो किरण रिजिजू जी कृपया देश को झूठ बोलना बंद कर दीजिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक तरह से लद्दाख से लेकर पेंगोंग लेक पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने उस जमाने में देखा और उस समय भी सड़कें बिल्कुल इसी तरह से चमकते दमकते हुए नजर आ रही थी। तो यह आरोप लगाना कि नहीं 2014 के बाद से ही देश आजाद हुआ है और देश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम तरह की चीजें अभी बन रही है, भाई आपको एक संगठित सेना मिली है 1962 की लड़ाई से तुलना मत कीजिए। आज एक संगठित सेना है आपके पास जिसके पास तमाम प्रकार के अनुभव है, आप एक बार निर्णय लेकर तो दिखाइए, आप वो निर्णय लेने में भी हिचक रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी बिल्कुल सही समय पे गए हैं, जिसमें ब्रिक्स में वहां पर वार्तालाप होगी, देश पूरा 140 करोड़ की जनता ये सवाल पूछेगी मोदी जी से और मोदी जी के ऊपर दबाव होगा कि वो चीन के सामने में लाल आंखें करके बात करते हैं कि नहीं करते हैं। लाल आंख तो छोड़ दीजिए, आंखों में आंखें डाल के आप बात करते हैं कि नहीं करते हैं चीनी राष्ट्रपति से, ये देश पूरा का पूरा देश नजर रख रहा है। तो इसलिए जो मैं टाइमिंग मानता हूं राहुल गांधी जी का, वो टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। और जिस समय देखिए टाइमिंग एक तो ब्रिक्स के सम्मेलन के कारण महत्वपूर्ण है, ये टाइमिंग इस समय भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह बीजेपी जो है कि वो बिल्कुल ही हार के कगार पे है, कहीं पर भी लड़ाई के रेस में नहीं है और वहां पे फिर से वो फर्जी राष्ट्रवाद को वो आगे कर रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि दिन में गृह मंत्री जो है कि अमित शाह कैसे पहुंचे हुए थे भोपाल और उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा मुझे, वो जरूर मिस्टर बंटाधार और तमाम तरह के नाम ले लेके बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पुकार रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। और एक सवाल जो आप पूछ रहे हैं राजीव जी स्मृति ईरानी को लेके, तमाम बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जब से जैसे ये घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी फिर से अमेठी आने वाले हैं, तो स्मृति ईरानी ने हाथ खड़े कर दिए और उसको बीजेपी ने सी कैटेगरी के श्रेणी में रखा है उस सीट को, क्योंकि ए कैटेगरी में वो उन सीटों को रख रहे हैं जो बिल्कुल जीतने वाले हैं और सी और डी में वो कमजोर कैटेगरी के सीटों को रख रहे हैं। अमेठी के सीट को भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने उसको सी कैटेगरी के श्रेणी में रखा हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि स्मृति ईरानी के दिन तो जिस समय से उन्होंने फ्लाइंग किस का फर्जी मामला उठाया है तो तब से वो हमेशा पीछे ही जा रही है। उनका लग रहा है कि जो कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, वो भी अब उनका रसातल में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी गुजरात से चुनाव लड़ेंगे और कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद वो गुजरात से भी नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा का मदद लेंगी पहुंचने के लिए। तो सोच के देखिए कहां तो वो इतनी जो है कि आक्रामक हो रही थी राहुल गांधी के ऊपर और एक बार राहुल गांधी ने वहां से लड़ने की घोषणा कर दी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। ये स्थितियां हैं इन लोगों की। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को और इसके तमाम प्रकार के चीजों को उन्हीं के मुंह से जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जो तमाम उनकी यात्राएं अभी भी लगातार जारी है उसमें लद्दाख पहुंचकर उन्होंने बड़ा मील का पत्थर का काम किया। एक चीज मैं कहूंगा, इन्होंने क्या बोला था 370 को हटाते हुए, ये बोला था कि जम्मू कश्मीर का भी बड़ा जबरदस्त विकास होगा और लद्दाख का भी विकास होगा। लद्दाख में लोग बिल्कुल परेशान है, केंद्रशासित प्रदेश की मांग लद्दाख के लोग जरूर कर रहे थे लेकिन अब लद्दाख के लोग कह रहे हैं केंद्रशासित प्रदेश का ऐसा स्वरूप होता है ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां के लोगों को डर है कि जो लद्दाख का पूरा एनवायरमेंट है, पूरा इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां पे अडानी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर जाने वाले हैं, तमाम पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करके उनको वहां पे आगे दिया जाएगा। इसलिए याद भी है कि पिछले साल वहां के एक बड़े पर्यावरणविद ने जो है इसी साल उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था और उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। आज स्थिति यह है
एक तरफ जम्मू कश्मीर को इन्होंने पूरा ड्रग्स सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। लोग तो वहां ये आरोप लगाते हैं कि ड्रग्स सिंडिकेट का पैसा दिल्ली में कहां कहां पहुंच रहा है, तो आप सोच सकते हैं कहां पहुंच रहा होगा ड्रग्स सिंडिकेट का जम्मू कश्मीर का पैसा। तो जम्मू कश्मीर को आपने ड्रग्स सिंडिकेट को झोंक दिया, और लद्दाख के भीतर वहां के लोग इतने अच्छे दिल के हैं, हर किसी से जब हम लोग बातचीत करते हैं लद्दाख में तो हर कोई बताते हैं कि जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो उस समय हमारे जो है परदादा वो कैसे गोला बंदूक लेके सेना की मदद करते थे। हर घरों में जितने भी लड़ाइयां चीन के साथ हुई है उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है राजीव जी उन तमाम घरों में, किसी के परदादा किसी के परनाना सबने उस लड़ाइयों में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है लद्दाख के लोगों ने। तो इसलिए वो भारत के साथ बड़ी अपेक्षा और उम्मीद के साथ देख रहे थे कि आज जब वो संकट के समय में है भारत का कोई एक बड़ा नेता उनके साथ जुड़े, और राहुल गांधी उनके साथ जुड़ने के लिए गए हुए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की।